मेरा ये सब ये पकड़ यार, मास्क पकड़ तू। मैंने रेस्पेरी है ना, पकी नहीं है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज सानिया बेवाल एंड आई ट्राई टू पोस्ट वीडियोस एवरी वीक। सो इफ यू आर नाउ स्टे कनेक्टेड देन मेक श्योर यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप इफ यू लाइक इट इन द एंड एंड कमेंट डाउन व्हाट यू लाइक द मोस्ट अबाउट दिस वीडियो। But yes, today's video it's gonna be all about picking fresh fruits. तो चलते हैं हम लोग फार्म में और देखते हैं कि हमें वहां पे आज क्या देखने को मिलेगा। हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम आए हैं फार्म में, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो लोग यहाँ जाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स पिक करते हैं, अपनी बास्केट भरते हैं और उसके लिए उसके बाद एंड में पे करते हैं। तो देखते हैं हम अंदर जाके कैसा होगा। सो लेट्स गो। तो मैंने तीन बॉक्स उठाए हैं बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि शायद स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करंट और रेसबेरी होंगी। तो देखते हैं मुझे क्या क्या मिलेगा, पर मैंने तीन बॉक्स वीडियो ये यहाँ पे कुछ फ्रूट लगे पर मुझे सच में नहीं पता ये क्या है। क्या है ये शायद कुछ है जो शायद पता नहीं खाऊं, कुछ जंगली हुआ तो। यहाँ पे ऐसे बेसिकली लेन बनी हुई है अलग अलग फ्रूट्स की। कुछ फ्रूट्स यहाँ पे क्योंकि शायद सीजन के हिसाब से है ऑफकोर्स, तो कुछ यहाँ पे फ्रूट्स अभी आए नहीं हैं, मुझे पता भी नहीं है कौन से पेड़ है, बट हाँ देखते हैं हमें कुछ मिलेगा कि नहीं। यहाँ पे पेड़ों में पानी डालने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग जो की है वो ऐसे पाइप है और सारे पाइप इंडिविजुअल प्लांट्स में जाते हैं ताकि सबको पानी मिल जाए। तो ऑफ कोर्स बड़ा फार्म है, कुछ सेंस नहीं बने इस बात की मेरी पर हाँ यहाँ पे पानी इसमें ऐसे दिया जाता है। इसकी टहनी तोड़ दी, ये टूटी नहीं जा, ये ज्यादा पके हुए वाले खाए यार। ये है पका हुआ है, एक मिला है थोड़ा अच्छा। तो यहाँ पे फ्रूट्स इतनी आसानी से भी नहीं मिलते, बहुत अंदर बाहर सारा ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ते हैं, पर लेकिन जो भी है बहुत ज़्यादा सुंदर था दिखने। तो यहाँ पे अब हम स्ट्रॉबेरी की सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये सारी जो कि आप देख सकते हैं सारा स्ट्रॉबेरी का एरिया है। इस साइड ये एरिया रेस्बेरी का था जहाँ से अभी हम आए हैं, पर हाँ संडे था तो काफ़ी फैमिलीज अपने किड्स वगैरह के साथ सब आई हुई थी। स्ट्रॉबेरी का साइज़ बहुत छोटा था मेरे को लग रहा था बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी, पर हाँ थोड़ा छोटे छोटे साइज़ की स्ट्रॉबेरी थी, पर फिर भी वो बहुत मीठी और टेस्टी थी। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी हूँ यहाँ पे सारी स्ट्रॉबेरीज मतलब अभी पूरी राइपन नहीं है, जैसे कि आप ये देखो ये फुल साइज़ है, आई डोंट नो ये फुल साइज है बट डजंट लुक रेड। एनीवे आई एम गोना कीप इट इन माय बास्केट। आज बहुत टाइम बाद मुझे दिल्ली की गर्मी याद आ गई वैसे टेम्परेचर इतना भी ज़्यादा नहीं था, मेरे को लग रहा है 25-30 के बीच में था, पर क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही इतना ठंडा रहता है
तो आज थोड़ी भी गर्मी तो ऐसा लग रहा था कि आई एम मेल्टिंग, पर लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था स्ट्रॉबेरीज पिक करने में। और फिर मैं आ गई ब्लैकबेरी के सेक्शन में। ये वाला एरिया बहुत सुंदर था क्योंकि ब्लैक और रेड बेरीज दोनों थी। एरिया बहुत नीट एंड क्लीन था, ऐसा नहीं कि कुछ गंदगी वगैरह थी। फ्रूट्स भी बहुत क्लीन थे, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स पेड़ हैं तो कीड़े तो होंगे ही तो एक दो फ्रूट्स में मैंने कीड़े भी देखे हैं और जिनको मैं खा गई। तो यहाँ पे देखो कितने सुंदर सुंदर ब्लैक बेरीज लगी हुई हैं। ये रेड वाली कच्ची वाली है और ये ब्लैक वाली जो पक चुके हैं, पर ये ब्लैक वाले भी फिर भी थोड़ी खट्टी है शायद। वैसे यहाँ फ्रूट खाना अलाउड नहीं है, खट्टी है। तो बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। ये फार्म बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना ज़्यादा बड़ा होगा, पर इस साइड सारी स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं। और अरे मेरे को तो आने इस साइड सारी ब्लैकबेरीज थी, और उससे पहले हमने रेसबेरीज देखी थी। वैसे मैंने रेसबेरी ज़्यादा ली नहीं, जाते हुए वापस लेंगे, पर अभी हम स्ट्रॉबेरी लेने जा रहे हैं। लेट्स गो। तो मैंने ले लिए हैं अपने फ्रूट्स। ये एक बास्केट अराउंड 5 pounds की मुझे पड़ी है। आइसक्रीम मैंने पिक नहीं करी, आइसक्रीम मैंने खरीदी है बट हाँ ये मैंने 2 fruits लिए हैं। इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मैंने बीच में छुपके से थोड़े खा लिए थे तो दे वर टेस्टी, सो आई एम हैप्पी। सो वी आर बैक एट होम। काफ़ी अच्छा था फार्म और बहुत बड़ा भी था, बहुत थक गए लेकिन हाँ मैंने थोड़ी स्ट्रॉबेरीज ली हैं और थोड़ी ब्लैकबेरीज। अब इनको अच्छे से धोने के बाद हम खाएंगे, और मैं थोड़े जब भी मैं खाऊंगी मैं फ्लॉन्ट कर सकती हूँ कि मैं सुपरमार्केट से नहीं लेती, आई हैव पिक्ड इट ऑन माय ओन। जस्ट किडिंग, बट एनीवे इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, कमेंट योर बेस्ट पार्ट एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ऑलराइट, बाय।